नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 12वीं हिंदी युवक भारती इसके 5वें अध्याय से गुरुबानी इसका दूसरा पार्ट लेकर आई हूँ। इसके पहले फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, यह सेकेंड पार्ट है और इसी के साथ में स्वाध्याय भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम ये एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 देखेंगे। इसमें देखते हैं हम, तेरी गति मिति तू ही जाने, क्या को आखी बखाने, तू आपे गुपता आपे प्रगटु आपे सब रंग भाणे, साधक सिद्ध गुरु बहु चेले खोजत फिर ही फरमाने, समही बधु पाई इह भिक्षा तेरे दर्शन कौ कुरवाने, उसी की प्रभु खेल रचाया गुरुमुख सोभी हुई, नानक सब जुग आपे वर्ते दूजा और न कोई। आइए इसके भावार्थ को देख लेते हैं। यहाँ भावार्थ इस तरीके से हैं कि गुरु नानक जी कहते हैं कि हे प्रभु, तेरी लीला तू ही जाने, कोई और उसका वर्णन कर ही नहीं सकता। हे प्रभु, आप कभी प्रत्यक्ष रूप में तो कभी अप्रत्यक्ष रूप में दर्शन देते हो। आपके रंग अनेक है, अनेक रूप है, अनेक प्रकार है। हे प्रभु, भक्त योगी पुरुष गुरु और शिष्य भी आपको खोजते फिरते हैं। ऐसे सभी भक्तों को आप प्रसाद के रूप में आपके दर्शन देकर धन्य कर देते हैं। प्रभु के खेल को अर्थात प्रभु की माया को केवल कोई गुरुमुख अर्थात ईश्वर स्वयं ही सुलझा सकता है, या फिर कोई गुरु इसको सुलझा सकता है। तो हे प्रभु, इस संसार में युगों युगों से आप ही विराजमान हैं, दूसरा कोई नहीं है, है ना। यहाँ पे हमको इसमें आप देखेंगे तेरी गतिमिति, गतिमिति का मतलब है लीला, तू ही जाने यानी तू ही जानता है, क्या को आखी बखाने यानी दूसरा कोई क्या उसका वर्णन करे, बखान यानी वर्णन, है ना। तू आपे गुप्ता आपे प्रगटु, गुप्ता यानी गुप्त रूप या अप्रत्यक्ष रूप, प्रगटु यानी प्रकट रूप या प्रत्यक्ष रूप, आपे सब रंग यानी अनेक रंग, भाणे यानी अच्छे लगते हैं, साधक यानी योगी पुरुष, सिद्ध यानी जो साधु होते हैं वे, गुरु यानी गुरु और बहु यानी बहु चेले यानी बहुत सारे उनके चेले अर्थात शिष्य, खोजत फिर ही फरमाने खोजते फिरते हैं ईश्वर को, है ना। समही यानी समान भाव से, वधु पाई इह भिक्षा तेरे दर्शन को कुरवाने, उसी की प्रभु खेल रचाया यानी यहाँ पे गुरुमुख यानी गुरु के मुँह से निकले हुए वचन, जुग यानी युग, इस तरीके से यहाँ इसके शब्दार्थ हैं। आगे की लाइनें देखते हैं, गगन में काल रविचंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मलया नील पवनु चवरों करे, सकल वन राई कुलंत ज्योति, कैसी आरती होई भव खंडना, तोरी आरती अनाहत शब्द बाजत भेरी। आइए इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। गगन यानी आकाश, रविचंद यानी सूरज और चंद्र, काल यानी थाल, आरती का थाल, दीपक यानी दिए, तारका मंडल यानी तारे, धूप यानी गुगुल, मलयानील यानी मलय पर्वत जो चंदन के वृक्षों से भरा हुआ है ना, पवनु यानी हवा, चंवर यानी सफ़ेद मुलायम रेशों वाला पंखा, जो आप कभी गुरुद्वारे में जाए तो वो गुरुमुखी यानी गुरु ग्रंथ को जो पंखा झलते हैं उस रेशमी मुलायम रेशे वाले पंखे को चंवर कहा जाता है। सकल यानी पूरी वनराई, है ना, सकल यानी पूरा पूर्ण ऐसा, वनराई यानी जंगल की वनस्पति, ज्योति यानी ईश्वर, तोरी यानी तेरी, अनाहत शब्द यानी आंतरिक ध्वनि, भेरी यानी नगाड़ा। अभी आंतरिक ध्वनि यानी कैसी, अनाहत शब्द यानी आंतरिक ध्वनि क्या, तो जो साधु संत लोग रहते हैं वे जब प्रकृति के इस अनोखे रूप को देखते हैं या प्राकृतिक आरती देखते हैं तो उनके अंदर से जो ईश्वर के जप का नाम निकलता है वो आंतरिक जो ध्वनि है वो यहाँ पे घंटे का रूप ले लेती है ना, इसको घंटी बोल सकते हैं हम। तो अर्थ देखते हैं, इन पंक्तियों में प्रकृति को प्रभु की आरती का प्रतीकात्मक रूप दिया गया है, यानी नेचर जो है प्रभु की आरती नेचुरल रूप से निकाल रहा है। कैसे, नानक जी कहते हैं कि प्रभु की आरती करने के लिए आकाश पूजा का थाल बन गया है और उस गगन रूपी थाल में सूरज और चंद्र दियों का रूप लेकर जल रहे हैं। आकाश के सारे तारे मोती के समान थाली में उपस्थित हैं। मलय पर्वत की ओर से बहने वाली सुगंधित हवा, क्योंकि वहाँ चंदन के वृक्ष है तो वहाँ से बहने वाली हवाएं कैसी होगी, सुगंधित, तो मलय पर्वत की ओर से बहने वाली सुगंधित हवा ने गुगुल का रूप ले लिया है और मंद मंद बहने वाली हवा चंवर हिलाने का काम कर रही है ना, यानी वो
जो रेशमी मतलब मुलायम रेशमी जो रेशे वाला जो पंखा है उसको हिलाने का काम कर रही है। जंगल में उपस्थित सभी वनस्पतियां ईश्वर को फूल चढ़ा रही है। नानक जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी इस प्राकृतिक और भव्य आरती के सामने मनुष्य के द्वारा ईश्वर की जो आरती की जाती है वह तो निरर्थक है। आपकी प्राकृतिक आरती का यह भव्य रूप देखने पर हमारे मन में असंख्य नाद बजने लगे हैं, है ना। अरे यहाँ पे जो साधक लोग रहते हैं उनके मन में जो जप जो उनके मुंह से ईश्वर का जो नाम निकलता है वो असंख्य नाद, यानी आरती के समय आरती गाते हैं तो सबके मुंह से समान शब्द निकलते हैं, है ना, उसको असंख्य नाद बोला गया है। अर्थात ईश्वर की सच्ची आरती तो प्रकृति स्वयं दिन रात बिना रुके बिना थके करती रहती है। तो ईश्वर की आरती के इस रूप को देखने के बाद सच्ची भक्ति समझ में आ जाती है। यानी इंसान बोलता है दिन में 2 मिनट पूजा पाठ करके या ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट पूजा पाठ करके मैं रोज़ नित्य नियम से जो है पूजा पाठ करता हूँ, ईश्वर का नाम लेता हूँ, ईश्वर को याद करता हूँ। लेकिन यहाँ अगर हम देखें कि जो प्रकृति है वो तो बिल्कुल बिना रुके बिना थके दिन रात मतलब कंटिन्यू जब से ये पृथ्वी है तब से ये प्रकृति जो है ईश्वर की पूजा करती चली आ रही है। तो इसको देखने से हमें सच्ची भक्ति का रूप समझ में आता है। इसलिए गुरुवाणी में जो हमें कहा गया है कि ईश्वर का नाम जपते रहना चाहिए, ईश्वर का नाम निरंतर जपता रहे, ऐसे इंसान विरले ही इस संसार में मिलते हैं। और अगर ऐसे इंसान हो तो उन्हें ईश्वर के दर्शन अवश्य रूप से होते ही हैं। तो विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताइएगा। मेरे इस चैनल को ऐसे ही देख कर आगे मत बढ़ जाइए, बल्कि इसे देखने के बाद में लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा से याद रखिए। इसी के साथ में धन्यवाद, नमस्ते।